गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आशीष और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का है। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है उसका राइट आंसर होगा बाइनरी फिजन। और इस डायग्राम में आप देख भी रहे, पहले जो डिवीजन है वो न्यूक्लियस का, बाद में क्या साइटोप्लाज्म। तो इसमें फॉर्मेशन होता है टू डॉटर सेल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन दिस फिगर। तो ये डायग्राम ऑब्जर्व कर रहा मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन ऑकर्स होता है प्लाज्मोडियम में। ओके, तो अमीबा में क्या होगा बाइनरी और प्लाज्मोडियम में क्या होगा मल्टीपल फिजन। और नेक्स्ट क्या, इस डायग्राम में जो ऑब्जर्व हो रहा है किसका डायग्राम है? तो ये डायग्राम है राइजोपस का। राइजोपस क्या होता है? फंगस होता। और राइजोपस में जो रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो इसमें क्वेश्चन भी है कि इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व हो रहा, तो राइट आंसर आएगा स्पोर फॉर्मेशन। और इसमें एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है जिसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। नेक्स्ट, यहाँ पे ये डायग्राम रिप्रेजेंट क्या कर रहा, तो ये इंडिकेट कर रहा रीजनरेशन प्रोसेस, और रीजनरेशन प्रोसेस ऑकर्स होती है प्लेन एरिया में। तो क्या होता है, सिंपली एनी हाउ पैरेंट्स बॉडी कट एंड दीज पार्ट इट हैव द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। बॉडी पार्ट कट हो रहे हैं और हर पार्ट से डेवलपमेंट हो रहा है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का। मैचिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको होता है कौन सा राइट आपका आंसर है। तो ब्रायोफिलम राइट आंसर होगा लीफ बर्ड। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होता। पैरामीशियम में क्या हुआ? बाइनरी फिजन। स्पायरोगायरा में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो एवरीवन शेयर दिस लिंक, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।